हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मौसम, मैं आप सब देख रहे हो मौसम मेरी पन चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ हेयर ऑयलिंग, और हेयर ऑयलिंग में करने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल से। मस्टर्ड ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हेयर के लिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ, फिर मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी इसके बेनिफिट्स के बारे में और हेयर ऑयलिंग। सो गाइस, आपको पता ही होगा जो हमारी एज जिनकी हो चुकी है वुमेन, तो पहले लोग मस्टर्ड ऑयल हेयर ऑयलिंग करते थे और उनके हेयर बहुत ही घने एंड ब्लैक रहते हैं ज़्यादा दिन तक। तो मैं हेयर ऑयलिंग करने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल से। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और इसे मैं हेयर ऑयलिंग करने वाली हूँ। तो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ। सो गाइस, मैं अभी यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल से अपनी हेयर पर इसे मसाज करूँगी। मैंने हेयर को दोनों साइड से डिवाइड कर लिया है और मैं अपनी हेयर पर इसे ऑयल से मसाज कर रही हूँ। मैं बहुत ही धीरे धीरे से मसाज कर रही हूँ, 10 से 15 मिनट तक लगा के मैं मसाज करूँगी। पर वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग देखने में बोर फील ना करो, तो मैं बहुत ही धीरे धीरे से लगा रही हूँ। सो गाइस, इसे हफ्ते में 2 बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहली बार अप्लाई करने से आपको बहुत अच्छा फ़र्क नज़र आएगा। आपको कंडीशनर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं सरसों के तेल के। मस्टर्ड ऑयल में फैटी एसिड होते हैं जो कि आपके बालों को नमी देते हैं, बालों के रुखापन जो होते हैं उसे दूर करते हैं, स्कैल्प में जाके ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी कर देते हैं जिस कारण आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर किसी को लॉन्ग हेयर पसंद है तो मस्टर्ड ऑयल ज़रूर ट्राई कीजिए, उससे आपके हेयर को लॉन्ग बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी एंड हेयर को घना बनाते हैं और इसको स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं, जो कि बालों का झड़ना जो है वो कम हो जाएगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, उसके बाद आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मेरी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है और मेरी कर्ली हेयर है। तो अगर आप इसे लगाते हो ना, तो आपको कंडीशनर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके नीचे। हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैंने 5 मिनट तक अच्छे से हेयर को पर मसाज किया है ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से हो, तो इसलिए मैंने 5 मिनट तक हेयर को अच्छी तरह से मसाज किया है। फिर मैं यहाँ पर कंघी कर रही हूँ। हेयर ऑयलिंग करने के बाद कंघी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो आपके बाल उलझ जाते हैं उसे सुलझाने में काफ़ी हेल्प होती है और ऑयल जो है आपके हेयर पर अच्छी तरह से लगने में हेल्प करती है। सो गाइस, आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं रोज़ मिलूँगी आप लोगों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।